हेलो स्टूडेंट्स, माय टुडेस टॉपिक इज़ नेफ्रॉन और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो हम लोग इसके पहले जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम में किडनी के बारे में स्टडी किए थे, तो आइए देखते हैं नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो है वो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। यानी ये जो हमारी किडनीज होती है वो किससे बनी होती है? नेफ्रॉन सेल से। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट इन आवर किडनी, ठीक है। किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन सेल मिलते हैं आपको। और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो नेफ्रॉन सेल है उसके दो मेन पार्ट हैं। फर्स्ट है हमारा वुमेन्स कैप्सूल और सेकेंड है ट्यूब्यूल। फर्स्ट है ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग, इसको हम लोग कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल। और जो इससे अटैच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल के थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। एक जो वुमेन्स कैप्सूल से लगा हुआ है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और थोड़ा ब्रॉड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, इसको हम लोग कहते हैं पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोलूटेड ट्यूब्यूल। और इसके बाद ये जब नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको कहते हैं हम लोग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और जब ये ऊपर की ओर फिर से जा रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जाकर फिर से अटैच हो जाता है, आप लोग देख रहे हो, फिर से ब्रॉड हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल से, जिसको हम लोग कहते हैं डीसीटी, यानी डिस्टल कॉन्वोलूटेड ट्यूब्यूल। और ये डिस्टल कॉन्वोलूटेड ट्यूब्यूल किससे अटैच होता है? यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से, ओके। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा किससे? एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल से सराउंडेड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वासा रेक्टा, ठीक है। पूरा ट्यूब्यूल्स आप लोग देख रहे हो एक कैपिलरीज से सराउंडेड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वसा रेक्टा। यहाँ पर जो वुमेन्स कैप्सूल है इसके अंदर जो आर्टरी इंट्री करती है उसको हम लोग कहते हैं अफरेंट आर्टरी, और जो बाहर निकल रही है उसको हम लोग कहते हैं इफरेंट आर्टरी। अफरेंट आर्टरी इज़ ब्रॉडर देन इफरेंट आर्टरी, ठीक है। अफरेंट आर्टरी जो है वो आप लोग देख रहे हो चौड़ी है इफरेंट आर्टरी के कंपेयर में, ओके। और जब अफरेंट आर्टरी आकर इंटर करता है इस वुमेन्स कैप्सूल के अंदर, तो एक मास ऑफ बल्कि आप लोग कह सकते हो कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है वहाँ पे, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये अफरेंट आर्टरी इंटर किया और यहाँ पर आकर एक कैपिलरीज बनाया, और इस कैपिलरीज को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, ओके। तो ये तो था स्ट्रक्चर। और आइए देखते हैं कैसे ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कैसे इसमें जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले अफरेंट आर्टरी से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो इंटर करता है इस वुमेन्स कैप्सूल के अंदर, ठीक है। वुमेन्स कैप्सूल में आता है और यहाँ पर अब जब देख रहे हो वो ग्लोमेरुलस में होता है, तो यहाँ से जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो फिल्ट्रेट होकर कहाँ जाते हैं? इस वुमेन्स कैप्सूल के अंदर, ठीक है। ग्लोमेरुलस से जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो फिल्ट्रेट होकर कहाँ पहुँच जाती हैं? वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। और यहाँ सिर्फ इम्प्यूरिटीज़ ही नहीं बल्कि कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस जैसे सोडियम, वाटर, ये सब कुछ भी जो है इसमें फिल्ट्रेट होकर चले आते हैं, ओके। जब वो पीसीटी और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इन सब से जो है पास होंगे, तो उसी समय जो उसमें यूज़फुल सब्सटेंस होंगे वो रीअब्ज़ॉर्ब कर लिए जाते हैं। यहाँ पे आई बात समझ में? ये जो वसा रेक्टा है वो उसको रीअब्ज़ॉर्ब कर लेती है जो यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं। और जो यूरिया वगैरह जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो इस ट्यूब्यूल्स के थ्रू होते हुए यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में, और यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से सीधा ब्लैडर के अंदर जाके कलेक्ट हो जाती हैं, और जो कि यूरेथ्रा के थ्रू टाइम टू टाइम पास आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और जो ब्लड हमारा प्योर होता है वो इस वसा रेक्टा से होते हुए फिर रेनल वेन में जाकर कनेक्ट हो जाता है, और फिर वहाँ से वो हार्ट में पहुँच जाता है। तो आई होप कि ये फंक्शंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। और आइए अब स्टेटमेंट को एक एक पढ़ते जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो और इजीली आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखिए नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज़ द
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है ये। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो नेफ्रॉन इज़ मेड अप ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। दो चीज़ इसमें मेन हमने बताया आपको कि दो मेन इसके पार्ट होते हैं, एक तो बोमेंस कैप्सूल होता है और एक होता है ट्यूब्यूल। तो बोमेंस कैप्सूल के बारे में आइए स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। अ ग्लोबुलर डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर विच अराउंड अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज और ग्लोमेरुलस। हमने बताया कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लोमेरुलस को क्या किया रहता है, चारों ओर से कवर्ड किया रहता है। द ब्लड इंटर्स इनटू द ग्लोमेरुलस, ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस में आता है थ्रू अफरेंट आर्ट्रियोल या अफरेंट आर्टरी के थ्रू ग्लोमेरुलस के अंदर आता है ऑफ रेनल आर्टरी एंड लीव्स इट थ्रू इफरेंट आर्ट्रियोल्स, ठीक है। पहले अफरेंट आर्टरी आया ग्लोमेरुलस के अंदर और फिर इफरेंट आर्टरी बाहर जाता है। अभी स्ट्रक्चर में आप लोगों ने ये चीज़ क्लियर किया था। नेक्स्ट दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो है ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल इज़ द सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, ट्यूब्यूल जो होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होते हैं। और इसमें हमने आपको ये भी बताया कि इसके मेन थ्री पार्ट्स में इसको हम लोग डिवाइड कर दिए थे। एक जो वोमेंस कैप्सूल से अटैच होता है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, उसको हम लोग PCT कहते हैं। और उसके बाद जो थोड़ी कह सकते हो नैरो ट्यूब्यूल हो जाती है, पतली ट्यूब्यूल, उसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और तीसरी जो अटैच होती है किससे, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से, उसको हम लोग क्या कहते हैं DCT। तो आइए देखते हैं ट्यूब्यूल्स के थ्री मेन पार्ट। एक है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल यानी PCT, क्या है PCT। दूसरी क्या है द लूप ऑफ हेनले विथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब्स, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे कि PCT के बाद आपका जो पार्ट है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और उसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होगा और फिर DCT और डिस्टल कॉन्वोलुटेड पार्ट या डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल। तो ये तो था स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कैसे यूरिन का फॉर्मेशन करता है। तो यूरिन इज़ फॉर्म्ड बाय द थ्री प्रोसेसेस, ठीक है। यूरिन यहाँ पर जो फॉर्म्ड होते हैं वो तीन मेन प्रोसेस होते हैं यहाँ पे। पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। तीन ये मेन प्रोसेस हैं। पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन वोमेंस कैप्सूल्स फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। द फिल्ट्रेट पासिस इन टू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा फिगर के थ्रू और समझेंगे। ध्यान दीजिएगा ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बारे में। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पे लिख लो बेटा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ये यहाँ पर जो ये ग्लोमेरुलस है ये कैपिलरीज, ठीक है, इससे जो इम्प्यूरिटीज फिल्ट्रेट होकर पहुँचते हैं किसके अंदर, वोमेंस कैप्सूल के अंदर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है। ओके नेक्स्ट, दिस फिल्ट्रेट कंटेन ग्लूकोज एमिनो एसिड्स यूरिया यूरिक एसिड सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। इस फिल्ट्रेट में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिल जाएंगे, क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं। तो हमने बताया था कि कुछ यूज़फुल सब्सटेंस भी होते हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। तो जो यूज़फुल सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज एमिनो एसिड्स, और ये तो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिक एसिड ये भी वेस्ट प्रोडक्ट, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ये सभी जो हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में बाहर निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी कौन सी प्रोसेस है, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एज द फिल्ट्रेट फ्लो अलोंग द ट्यूब्यूल यूजफुल सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज एमिनो एसिड सॉल्ट्स एंड वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड
इनटू द ब्लड बाय कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, हमने बताया भी आपको कि जो यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं जब वो ट्यूब्यूल्स के थ्रू पास होंगे तो वो जो ब्लड कैपिलरीज उस ट्यूब्यूल्स को सराउंडेड किए रहते हैं उसमें रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ओनली यूज़फुल सब्सटेंस। ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब ट्यूब्यूल्स के थ्रू पास होते हैं और वो जाकर यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू यूरेटर में जाके कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला और लास्ट आपका जो स्टेप है वो है ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन का मतलब क्या है, यानी कि ट्यूब्यूल्स के अंदर भी हमने कहा कि बहुत से यूज़फुल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, तो द फिल्ट्रेट विच रिमेंस आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड यूरिन। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो फिल्ट्रेट पार्ट बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। ओके, उसको हम लोग यूरिन कहते हैं, उसमें यूरिया और यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा मिलता है वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यूरिन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट टू कैरी इट इनटू द यूरेटर। ठीक है, यानी कि यूरिन कलेक्टिंग डक्ट उसको कलेक्ट करके और यूरेटर में पहुंचाता है और फिर वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लडर में जाता है और यूरिनरी ब्लडर से वो यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट कर दिया जाता है। एक चीज़ यहाँ पर और आप लोग नोट कर लोगे बेटा कि ट्यूबुलर सिक्रीशन में मोस्टली जो है एच आयन यानी हाइड्रोजन आयन जो है वो सिक्रीट किया जाता है और ये एच आयन क्या करता है, ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, एच आयन इज़ सिक्रीटेड बाय ट्यूब्यूल्स एंड इट मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड। ओके, दैट्स क्लियर, थैंक यू।